नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और पाइथन के अंदर आज हम करेंगे नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में। देखिए, कल हमने लूप स्ट्रक्चर की बात की थी, तो उसके अंदर हमने नेस्टेड फॉर लूप के बारे में बात की थी कि फॉर लूप हमारी किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करती है। इसी तरह से हमारी व्हाइल लूप भी वर्किंग को परफॉर्म करती है, यहाँ पर उतने ही पार्ट्स के अंदर जितने पार्ट्स के अंदर आप उसको यूज करना चाहोगे। बेसिकली इस एग्जांपल में मैंने लूप को दो पार्ट्स में यूज किया है, तो मेरे पास यहाँ पर वर्किंग भी दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट हो रही है। सबसे पहला है मेरा आउटर व्हाइल लूप। अगर मैं आउटर व्हाइल लूप की बात करता हूँ, तो जो ये मेरा आई वाला लूप है, इसको हम आउटर कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आ जाए। और अगर मैं इनर व्हाइल लूप की बात करता हूं, तो ये जो हमारा जे वाला लूप है, ये इनर व्हाइल लूप है। तो सबसे पहले क्या होगा, वर्किंग स्टार्ट होगी आउटर से। आउटर से स्टार्ट होते ही वो इनर की सारी वर्किंग को परफॉर्म करेगा, और जैसे ही इनर की पूरी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है, वो अगेन आउटर के ऊपर चला जाएगा सेकंड स्टेप के लिए। जैसे वो आउटर के सेकंड स्टेप पे गया, अगेन उसने इनर की सारी वर्किंग परफॉर्म की, वर्किंग कंप्लीट हुई, वो अगेन आउटर के ऊपर गया, और फिर उसने अगेन इनर में आके वर्किंग को परफॉर्म कर दिया। इनिशियली आउटर लूप टेस्टेड एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली वंस, कि सबसे पहले पर क्या होगा कि एक बार आपका आउटर लूप चल जाएगा। जैसे ही आपके पास वर्किंग परफॉर्म हुई, फ्लो कंट्रोल जंप करा इनर व्हाइल लूप के अंदर, और इनर व्हाइल लूप यहां एग्जीक्यूट हो रही है कंप्लीशन के लिए। तो जैसे ही टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होता है, फ्लो कंट्रोल फिर इनर से आउटर में गया और फिर वर्किंग परफॉर्म की। आउटर सिर्फ एक बार चला फिर दोबारा से, और फ्लो कंट्रोल ने फिर उसी वर्किंग को परफॉर्म किया, लूप कंप्लीट हुई, उसने फिर वर्किंग आगे ली। तो इस तरह से आपकी वर्किंग वो यहां शो करता है। अब हम एग्जांपल में देखते हैं, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया है एक i को j के साथ। तो i मैंने 1 से स्टार्ट लिया, i की लिमिट ली 3 की, जब तक i लेस देन इक्वल टू है 3 के, i को परफॉर्म करे। j 1 लिया, j को भी मैंने सेम वर्किंग परफॉर्म की, और प्रिंट करवा दिया मैंने i मल्टीप्लाई बाय j, कि i मल्टीप्लाई बाय j का रिजल्ट क्या होगा, मुझे वो रिप्रेजेंट करे। तो उसने मेरे पास जब i मल्टीप्लाई j का रिजल्ट यहां परफॉर्म करा, सबसे पहले क्या होगा, i 1 हुआ, व्हाइल के अंदर गया, j मिला, j भी 1 है, 1 * 1 1। अब पहले j कंप्लीट होगा, ये 3 स्टेप चलेगा, 1 * 2 2, 1 * 3 3। अब j की वर्किंग फिनिश, जब j की वर्किंग हमारी फिनिश हो गई, वो अगेन i के ऊपर गया, i हमारा 1 से 2 हो गया। जैसे i 1 से 2 हुआ, वो अगेन j के अंदर आया, उसने 3 तक फिर परफॉर्म किया, वर्किंग फिनिश हुई, फिर वो i पे गया, अब i की वर्किंग 3 हुई, तो उसने अगेन वर्किंग परफॉर्म की, अब i की वैल्यू 4 हुई। लेकिन जैसे i की वैल्यू हमारी की 4 होती है, तो उस केस के अंदर हमारी आगे कोई वर्किंग प्रोड्यूस नहीं होगी, वो वर्किंग वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। आइए हम अपने एग्जांपल को देख लेते हैं कि हम किस तरह से नेस्टेड व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पाई चार्ट एडिटर है जो वर्किंग को परफॉर्म करेगा। और अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले i को एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं, i इक्वल टू 1। मैंने व्हाइल लूप लगाई, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 3, j को 1 इनिशियलाइज करे, लूप चलाए, व्हाइल j लेस देन इक्वल टू 3, प्रिंट i मल्टीप्लाई बाय j। तो जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, मेरी वर्किंग को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये देखिए, उसने मुझे पूरी वर्किंग यहाँ रिप्रेजेंट करके शो कर दी है। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे इसके साथ इक्वल टू का सिंबल भी दिखा दे। मैं यहाँ इक्वल टू आपकी वर्किंग वैसे ही रिप्रेजेंट करके ये शो कर देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लूप कहाँ तक चलाना चाहते हो। तो आप यहाँ पर लिमिट के तौर पर वेरिएबल भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। आपको चाहिए सपोज कीजिए कोई भी टेबल किसी भी लाइन तक, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ले लेता हूँ पोएल, यानी कि आउटर लिमिट, एंट इनपुट एंटर आउटर लिमिट, जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हो वो चीज़ आप यहां परफॉर्म कर दीजिए। और इसी तरह से मैं इनर लिमिट का यूज करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर यूज किया आई एल का, और यहां कर दिया इनर लिमिट। अब मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर चाहिए 10 का टेबल, 10 तक टेबल चाहिए, और कहाँ तक चाहिए मुझे 15, मतलब लास्ट लिमिट 15। मुझे 1 का टेबल 15 तक चाहिए, 2 का टेबल 15 तक चाहिए, ऐसे मुझे जो 10 के टेबल है वो 15 तक चाहिए। ये देखिए, आपको उसने आउटपुट वैसे रिप्रेजेंट करके रिप्रेजेंट कर दिया है। पहले 1 का टेबल आया आपका, फिर 2 का टेबल आया, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 7, इस तरह से आपके पास लास्ट 10 का टेबल रिप्रेजेंट हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।